आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लुकअप मेथड। जी हाँ, वी लुकअप एंड उसके रिलेटेड जो मेथड है वो मेथड हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सुबह के टाइम में रुपिंदर जी, आशीष जी और अभी प्रकाश जी, तीन लोग मौजूद हैं इस बैच के। लास्ट क्लासेस में हमने रेफरेंसेस फॉर्मूले पढ़ाए थे, जैसे कि चूज का, इंडेक्स का, इनडायरेक्ट का, इंडेक्स नहीं था, इनडायरेक्ट था, ऐसे चीजों पर हमने डिस्कस किया था। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लुकअप फॉर्मूला। अब सबसे पहले जानिए कि एक्सेल के अंदर में लुकअप फॉर्मूला, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि एक्सेल के अंदर लुकअप फॉर्मूला जो है वो तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जैसा कि मेरा मानना है, सिर्फ एक्सेल में नहीं, लुकअप जो है वो हर जगह इम्पोर्टेंट है। अब क्यों, अब इसके बारे में भी अब जान लीजिए। लुकअप का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिक नंबर के बिहाफ से बड़े डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर यूनिक नंबर को फाइंड करना, उसके डिटेल्स को फाइंड करना। जैसे कि आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अपने वेबसाइट पे जाते थे, अपना रोल कॉल डालते थे और अपना रिजल्ट ले लेते थे। जब रोल नंबर डालने के बाद जब आप फाइन रिजल्ट पे क्लिक करते थे तो क्या करता था कि आपको उस रोल नंबर को स्टूडेंट की डेटाबेस में जाके ढूंढता था और जहां मिलता था वो डिटेल्स को स्टोर कर देता था। सेम थिंग बैंकर्स, आप अकाउंट नंबर जाके देखते हैं और पूरे लाखों करोड़ों कस्टमर में से आपका अकाउंट नंबर फाइंड करके और उसको पूरा डिटेल दे देता है। इसको हम लुकअप मेथड कहते हैं। तो लुकअप मेथड का डेफिनेशन पता चल गया सर। अब जैसे कि डेटा है हमारे पास और मैंने यहाँ पे यूनिक नंबर हमने दिया, तो एक यूनिक नंबर हमारे पास है, एम्प्लॉय कोड मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा एम्प्लॉय कोड है 4 डिजिट का, ठीक है, पूरा डेटाबेस है। अभी क्या हुआ कि हमारे किसी टीम मेंबर ने मुझे मेल किया और बोला कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉय नंबर है, उसकी डिटेल चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब मैं लुकअप को भूल जाऊं तो लुकअप या वी लुकअप को भूल जाऊं तो क्या करना होगा कि हमें इसको कॉपी करके एक्सेल सीट पे जाना होगा और इसमें जाके फाइंड करना होगा, तो जहां उसको रिजल्ट मिलेगा फिर उस पूरे डेटा को कॉपी करके और फिर हमें एक्सेल सीट पे वापस लाके पेस्ट करना होगा। अब देखिए, दो चार है तो आप कर लेंगे, लेकिन जहां 200-400 हुआ तो क्या, वहां तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। जी, हाँ तो जी, उस केस में हम लुकअप इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेटा हमारा क्या है, वर्टिकल है। लुकअप दो तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप को एच लुकअप कहते हैं, वर्टिकल लुकअप को वी लुकअप कहते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं डेटा हमारा, वो हमारा वर्टिकल है, इट मीन्स हमारा वी लुकअप लगेगा। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब आता है टेबल एरिया में, मतलब डेटा हम किसको ढूंढना है, एम्प्लॉय कोड को ढूंढना है। तो आपको डेटाबेस में जाना है, सेम सीट में हो या किसी अनदर फाइल में हो, आप वहां पर जाएं और आप एम्प्लॉय कोड से ही सिलेक्ट करके आगे की तरफ करेंगे, क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट को ही सर्च करता है। मतलब कि आप जिस यूनिक नंबर को ढूंढ रहे हैं वो यूनिक नंबर आपका सबसे स्टार्टिंग कॉलम में होना चाहिए। अगर सबसे स्टार्टिंग कॉलम में होता है तभी आपका डेटा फाइंड करेगा। अब इसमें मान लीजिए कि 1005 को मिले डेटा मिल गया, लेकिन 1005 को कितना मिला हुआ है, ये 8 कॉलम मिला हुआ है। अब स्पेशल रूल कहता है कि एक कॉलम का डेटा एक ही कॉलम पे आएगा, और एक सेल का डेटा एक ही सेल में जाएगा, एक सेल में कई सारे सेल का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा आपका कॉलम नंबर, इसका कॉलम नंबर क्या है। तो काउंट कीजिए, जैसे नेम चाहिए तो 1 एंड 2 हम 2 देंगे,
लास्ट में बोलता है एग्जैक्ट मैच या मिलता जुलता होना चाहिए। तो ट्रू एंड फॉल्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पे फॉल्स जनरली हम लोग लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए और हम एंटर मारते हैं, डेटा आ गया। तो एक आया, अब फिर इसके लिए वापस मुझे वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, डेटा शीट में जाएंगे और यहां पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे 1 2 यहां 3 लिखेंगे और कॉमा 0 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लॉजिकल फॉर्मूले में बताया था कि 1 इक्वल टू ट्रू एंड 0 इक्वल टू फॉल्स, तो 0 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो जाएगा और इस तरह से। तो इस तरह से एक एक करके करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको रेफरेंस को अब्सोल्यूट करना पड़ेगा, मतलब कि रीच करना पड़ेगा। तो मुझे ए हमारा फिक्स है, ए को बी नहीं करना है, तो हमने ए के आगे डॉट लगा दिया, लेकिन 3 को 4 करना है, जब नीचे ड्रैग करेंगे 3-4 होना चाहिए। ए डेटा हमारा फिक्स है, रेंज हमने इसको लिख दिया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट या फिल कर दूं सब में। अब मुझे यहाँ पे जस्ट कॉलम का नंबर चेंज करना है, समझे? अब इस तरह से मैं कर रहा हूं नंबर, तो ये भी ये लग रहा है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है कहां पे क्या करना है। तो यहां पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक रो इंसर्ट कर दो और जिसके जो फिल नंबर डेटा, जो कॉलम नंबर डेटा में है, वो कॉलम नंबर आप ऊपर हेडिंग पे लिख दें, और लिखने के बाद मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और जहां हमें कॉलम नंबर लिखना था उस जगह पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 0 करते हैं। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज करते हैं इसको और डेटा को भी हम फ्रीज करेंगे, और बी में 1 को फ्रीज करना है, बी को फ्रीज नहीं करना, ताकि बी की जगह पर सी डी ई हो, और फिर इसको हम आगे की तरफ ड्रैग करके इसको फ्रीज करेंगे। हो गया? एक सेकंड, तो इसमें और तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे इसके लिए कॉलम को रिजर्व करना पड़ रहा है। तो दूसरा तरीका है हमारा कि हमने आपको एक कॉलम का फॉर्मूला बताया था। कॉलम का फॉर्मूला क्या था कि अगर मैं इसके अंदर में कोई रेफरेंस देता हूं तो उसका रेफरेंस यहां दिखेगा आपको, राइट? टू ही चाहिए, तो क्यों ना मैं वी लुकअप लगाऊं और वी लुकअप में हम डेटा को सिलेक्ट करें और इसमें हम अपना कॉलम नंबर दे दे और कॉलम नंबर में डेटा को सिलेक्ट करें एंड कॉमा 0 या फॉल्स दे सकते हैं, ठीक है? फिर हम इसको फ्रीज करते हैं, और इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। आ गया डेटा हमारा,
लेकिन इसके लिए इसका इसका दो चीज होनी चाहिए, इसका सीक्वेंस और डेटा का सीक्वेंस दोनों एक होना चाहिए, और डेटा हमेशा कॉलम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तभी होगा, बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत उलट फेर है, मतलब कि आगे पीछे है और थोड़ा बहुत डेटा है, तो आप एक इसमें एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जाए और डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूं, और जितने कॉलम नंबर आपको चाहिए उसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सिक्वेंसली लिख दे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सिक्वेंस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 ही आएगा, आप 1 के बाद 5 भी लिख सकते हो एज पर योर कॉलम पोजिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा 0 और फिर यहाँ पे एंटर मार। लेकिन इसको आप पूरे को सेलेक्ट कर ले उसके बाद लगाए और एंटर की जगह पे कंट्रोल सी एंटर मारे, तो आपको एक तो फ्रीज व्रीज करने का भी झंझट नहीं होगा और पूरा डेटा आपको फिल होगा। समझ गए, कोई डाउट इसमें? नहीं होना चाहिए डाउट। डाउट डाउट तो कुछ नहीं है, पर पहले कभी यूज नहीं करा, इससे पहले तो बाकी चीजें तो यूज करी हुई थी, कॉलम का भी यूज नहीं करा था और वी लुकअप यूज नहीं करा, तो ना ऊपर की सीरीज जो आपने बताई थी, पर नॉर्मल ही। ये अलग अलग तरीके हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अब होता है कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास कि हमारे हेडिंग अनसिक्वेंस होते हैं और बार बार चेंज होते रहते हैं, समझ गए ना। तो मान लीजिए कि अभी ये है, मान लीजिए अभी लगाया हायर डेट, कल के डेट में आपको इधर आ गया, सिटी कोड इधर आ गया, तो आपको मतलब कि दोबारा से पूरा वीलुकअप लगाना पड़ेगा ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो हेडिंग है वो हेडिंग डेटा के हेडिंग के जैसा है वैसा इक्वल है, और मैं चाहता हूं कि मेरे हेडिंग से कनेक्ट हो जाए, जैसे मेरा हेडिंग चेंज हो ये भी अपने आप को चेंज कर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो याद हुआ कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो बताया था मैच का। मैच क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है, डेटा को लुकअप करता है और डेटा का कॉलम या रो इंडेक्स नंबर बताता है। तो मैंने लगाया यहां पे कि जो फुल नेम का हेडिंग है ये डेटा शीट के पहले रो पे जाए, और पहले रो पे जाने के बाद ढूंढे ढूंढने की एग्जैक्ट मैच करे, तो ये क्या कर दिया, दो मतलब इसने कॉलम नंबर दिया। और कल के रेट में मान लीजिए अगर मैं इसको चेंज चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं इसको सिटी सिटी कोड कर दिया, तो ये अपना काउंट चेंज कर देगा। तो हमेशा हम भी लुकअप के साथ मैच का इस्तेमाल करेंगे कॉलम के लिए, ठीक है। मैच हमें हमारा कॉलम नंबर दे देगा, अभी लुकअप डेटा दे देगा, समझिए। तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट करके लिखने का जरूरत नहीं है, हम वी लुकअप में ही मैच को इंक्लूड कर, जैसे कि हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। V13 मतलब कि इसका 13 फ्रीज होगा और डेटा का ये तो फ्रीज होगा ही, इसको चेक एकदम अच्छा तरीके से हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक नहीं सर, बहुत बढ़िया है, आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं कराया था कभी। ओके, तो ये फाइल हम आपको भेज रहे हैं। अब मैंने आपको वी लुकअप से रिलेटेड तकरीबन 8 एग्जाम्पल दिए हैं, अब आप पहले तो इस 8 एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो और उसके बाद मुझे अपने तरफ से कुछ और एग्जाम्पल दो, फिर हम अगली क्लासेस में आपको जो होगी हमारी क्लासेस मंडे आशा, तो रिकॉर्डिंग से भी देखा होगा आपने, नहीं देखा अभी तक आशीष जी ने तो देख लिया था,
मैंने भी शुरू कर दी है, मैंने भी देखनी है क्या नाम है, उसमें कई सारे लिंक है तो सीक्वेंस में वो रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लीजिए और हम अगली क्लास में आपके साथ वी लुकअप में जैसे कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, रिपीटेड वैल्यू को ढूंढना और भी जो बहुत सारे ट्रिक्स, अभी आपकी जो है तीन तीन चार क्लासेस सिर्फ लुकअप पे ही चलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, ठीक है तो इसको आप कीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है सर, बाय, थैंक यू।